भाई अक्षरा से होने वाली है एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि वो खुद से ही अपने रिश्ते का सच जो है सबके सामने बता देगी, जिसके बाद अभिमन्यु और मंजरी को तगड़ा झटका लगने वाला है। चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में। भाई सबसे पहले तो आज आप देखेंगे किस तरह से जहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर अक्षरा जो है अभिमन्यु को समझाती है कि तुम्हें रूही पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं पर मंजरी जो है आ जाती है और मंजरी सारी बातें सुन लेती है। मंजरी को पता चल जाता है कि भाई अभीर जो है ना वो उसका पोता है, जिसके बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे तो चक्कर आने लगते हैं। फिर अभिमन्यु जो है वही उसके पास आता है और उसे सही से पकड़ता है, उसे संभालता है। इसके बाद मंजरी जो है वो कहती है अभीर हमारा पोता है, ये बात अक्षरा तुमने हमसे क्यों छुपाई। हालांकि अक्षरा जो है जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहीं पर अभीर आ जाता है। अब मंजरी अभीर को देखकर इमोशनल हो जाती है, साथ ही उसे गले से भी लगा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर अभिनव आ जाता है और अभिनव जो है अभीर को उसकी गोदी से छीनकर खुद की गोदी में ले लेता है। और जैसे ही मंजरी ये सब देखती है, मंजरी का गुस्सा जो है अक्षरा पर फूटने लगता है, लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होने वाला है। आप देखेंगे किस तरह से अब आरोही और पूरा परिवार जो है घर लौटता है, जहाँ पर सबको आधी रात में बहुत परेशानी होती है। सबको पता चलता है भाई मंजरी जो है वो कहीं चली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से अक्षरा जो है अभिनव से कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर पूरे घर वालों को बात बतानी होगी, वरना कहीं और से बातें पता चलेगी तो खामा खा का ड्रामा होगा। अब वही होने वाला है, वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले मंजरी जो है वही थाली चम्मच लेके सारे में हल्ला करती हुई गोयनका हाउस आ जाती है, जहाँ सबको तगड़ा झटका लगता है। वहीं आप ये भी देखेंगे कि अभिनव के सर पे और मुसीबत होती है, जहाँ पर नीलम्मा उसे फोन करके कहती है कि तेरी बहन का रिश्ता कैसे टूट गया, तूने ऐसा कैसा होने दिया। लेकिन मंजरी के आने से सब कुछ फिर से बदल जाता है। अब जब मंजरी पूरे परिवार के सामने अनाउंसमेंट करती है कि भाई अभीर उसका पोता है, तो ये सुनकर पूरे परिवार को तगड़ा झटका लगता है। वहीं खड़े अभिनव और अक्षरा भी हैरान रह जाते हैं कि अब वो लोग क्या करें। तो वहीं प्रोमो की ही बात करें तो प्रोमो में आप देख सकते हैं कि अब मंजरी जो है ना वो अक्षरा के साथ साथ अभिनव को भी दोषी बोलती है, लेकिन अक्षरा जो है वो सुनते सुनते थक जाती है और बौखलाहट में सारी सच्चाई खुद उगल देती है। वो कहती है आप चुप रहिए, आप जिसे दोषी बोल रही हैं, अगर आज वो नहीं होता ना तो आपका पोता भी इस दुनिया में नहीं होता, और हम लोगों ने तो शादी मजबूरी में की थी, हम लोग अब तक पति पत्नी होने का ढोंग कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभीर को पाल रहे हैं। अब जैसे ही ये बात अक्षरा बोल देती है तो सब हैरान रह जाते हैं, अभिमन्यु और मंजरी उसकी शक्ल देखने लग जाते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई आगे क्या सच में अभिमन्यु और अक्षरा फिर से एक होंगे, क्या फिर से इन दोनों की राहें मिल जाएंगी। आपका क्या कहना है आप भी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर दीजिए।